हेलो दोस्तों, दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम रीट लेवल 2 2022 जो 23 डेट को एग्ज़ाम हुआ था रीट का, उसमें SST के जो क्वेश्चंस आए थे उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों हम 52 क्वेश्चंस लेने वाले हैं और उनके राइट आंसर क्या बनते हैं तो वो दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं तो दोस्तों आप देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। पटेलिया बिछिया लालर माछर लोकगीत किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। आपने कौन सा आंसर लिखा है और आपके अनुसार क्या आंसर हो सकता है तो वो भी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर राइट है। आप मैच कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट बने हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चंस क्या है। बाणासुर के शहीद के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों कौन है? मेजर शैतान सिंह इसका सही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, विषम घाटी पंचानन किसे कहा गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर राणा हमीर है। चौथा क्वेश्चन देखिए, एस तरंगों का छाया क्षेत्र है। तो यहाँ पर दोस्तों ये स्टूडेंट्स के सबसे ज़्यादा डाउटफुल क्वेश्चन बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं वो इसका आंसर है 105 से 145 तक बता रहे हैं। तो दोस्तों हमारे अनुसार इसका राइट आंसर 105 से लेकर 105 डिग्री होगा। आपका क्या राय है, आपने क्या आंसर दिया है तो वो भी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आगे देखिए दोस्तों, 5 नंबर का क्वेश्चन, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन से हैं? तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपका ये क्वेश्चन राइट हुआ होगा। तो इसको याद रखने का तरीका दोस्तों आपको पता ही है, 1098, इससे ये आसानी से याद रह जाता है। तो इसका सही आंसर यही होगा। आगे देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन, तुलसी तिमणिया हालरो पोत आभूषण ये कहाँ के हैं? दोस्तों ये गले के हैं। दोस्तों वैसे SST का पेपर थोड़ा लेवल का था, मतलब थोड़ा टफ था, तो दोस्तों आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आंसर मैच करते रहिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के बीच में ताकि उनको भी आंसर पता लग सके। आगे देखिए, 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, बेथोलिथ लेकोलिथ फेकोलिथ का संबंध किससे हैं? तो दोस्तों ज्वालामुखी से हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर का शासक कौन था? तो दोस्तों स्वरूप सिंह था। कौन था? स्वरूप सिंह। आगे देखिए, 9 नंबर का क्वेश्चन, चुरू जिले का निर्माण किसने करवाया? तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, कुशल सिंह ने। किसने करवाया? कुशल सिंह ने। आगे देखिए दोस्तों, 10 नंबर का क्वेश्चन, बौद्ध भिक्षुओं के नियमों का संग्रह किसमें है? तो ये यहाँ पे देखिए दोस्तों, विनय पिटक के अंदर, विनय पिटक में इसका सही आंसर होगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, लेवोडोर बेंगुएला क्यूजराइल धारा ये किससे संबंधित है? ठंडी जल धारा से ये संबंधित है। 12 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का किन फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन इस पेपर में 2 बार लिख दिया है, तो आगे ये क्वेश्चन आएगा तब इसका आंसर हम आपको दे देंगे। आगे देखिए दोस्तों, 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है? तो ये दोस्तों आपने साइकोलॉजी मनोविज्ञान के अंदर ये क्वेश्चन देखा होगा, अभिकर्मित अनुदेशन के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? स्किनर। 14 नंबर का क्वेश्चन है, हेला ख्याल तो ये कौन से जिले से संबंधित है? दोस्तों दौसा जिले से संबंधित है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, स्त्री पुरुष की तुलना पुस्तक के लेखक, इसके लेखक कौन है? दोस्तों ताराबाई शिंदे। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उपाधियों का अंत किया गया कौन से अधिकार के फलस्वरूप? समानता के अधिकार से। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है, समानता का अधिकार। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, समस्या समाधान विधि के चरण कितने हैं? दोस्तों 5 हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वृद्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन है? दोस्तों हीरालाल शास्त्री। आपने राजस्थान का एकीकरण पढ़ा होगा, उसके अंदर दोस्तों आपने ये नाम देखा होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हीरालाल शास्त्री। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी को दिन रात में विभाजित करने वाला व्रत कौन सा है? तो प्रदीप्ति व्रत। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रेडियो तरंग कौन से मंडल से लौटकर वापस आती है? तो दोस्तों आयन मंडल से इसका सही आंसर होगा। श्वेत संघ किसके समय भारत आया? तो हर्ष के समय आया था। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किल पेट्रिक के अनुसार प्रायोजना का पद नहीं है, कौन सा नहीं है? दोस्तों वर्णोत्मक परियोजना, ये प्रायोजना का पद नहीं है। यहाँ पे 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अरावली की दिशा कौन सी है? दक्षिणी पश्चिमी से उत्तरी पूर्वी, ठीक है।
24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा राजदूत भेजा था? मेगस नीतिज, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अब आगे लेते हैं दोस्तों हम 25 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन, अवशिष्ट शक्तियाँ किस देश से ग्रहण की गई? तो कौन से देश से अवशिष्ट शक्तियाँ ग्रहण की गई है दोस्तों? कनाडा से। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा का थर्ड अधिवेशन कब हुआ था? अजमेर के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? अजमेर राजस्थान के अंदर हुआ था। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उद्देशिका में शब्द नहीं है, कौन सा शब्द नहीं है? तो यहाँ पे भाषा शब्द नहीं है, ठीक है ना, भाषा इसका सही आंसर होगा। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, परियोजना मिलान सही नहीं है, तो कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो आप देख सकते हो राणा प्रताप सागर, ये चित्तौड़गढ़ से संबंधित है, बिसलपुर अजमेर, जाखमबाद प्रतापगढ़ और मानसी वाकल परियोजना उदयपुर। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा सही नहीं है? बिसलपुर अजमेर, ये सेकंड वाला इसका रोंग आंसर है। आगे देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जलवायु को सुमेलित करिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान को जलवायु के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से शुष्क, अर्ध शुष्क और शीत, उपआर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र, ऐसे 5 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों जो जैसलमेर है वो शुष्क एरिया के अंदर आता है, जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, लगभग 20 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और गर्मियों के अंदर जो तापमान है लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। तो जैसलमेर शुष्क एरिया के अंदर आता है, जयपुर उपआर्द्र के अंदर आता है, ठीक है, ये इसका सही सुमेलित क्रम है। और झालावाड़ के अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा बारिश होती है। आगे देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कौन से दो राज्य में समान लोकसभा सीट है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश और राजस्थान, इनमें 25 सीटें हैं दोनों के अंदर, लोकसभा के अंदर। 31 का क्वेश्चन देखिए, उपभू के समय ज्वार आता है सामान्य से अधिक की ओर, इसका सही आंसर था। 32 नंबर का देखिए दोस्तों, राजस्थान का किन फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो इसरगोल, जीरा और ज्वार, इससे संबंधित है, ठीक है। तो आपने इसका सही आंसर क्या दिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गुप्तकालीन षड़ दर्शन में शामिल है? तो ये दोस्तों वैशेषिक, ठीक है। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पंचायती राज किस समिति की सिफारिश 1889 में, कौन सी ये सिफारिश है? यहाँ पे सिफारिश पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, तो सिफारिश कौन सी ने की थी? पी की थुगन समिति ने, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अशोक मेहता समिति के बारे में भी बहुत सारे आंसर बता रहे हैं, तो आपने इसका सही आंसर क्या माना है और क्या दिया है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आगे देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन, भीतरी मंदिर स्थित है, ये कानपुर यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, ठीक है। और 36 नंबर का क्वेश्चन है, कथाल पाए हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? मालाबार तट पर, ठीक है ना। दोस्तों आपने क्या आंसर दिया आप देखते रहिएगा, और कितने आंसर आपके करेक्ट हुए हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उनको भी सही आंसर पता लग सके। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए, खुद कास्त व पाही कास्त का संबंध किससे है? किसानों से, जो कृषि से संबंधित है, किसानों से, ठीक है। 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सतारा महाराष्ट्र में समांतर सरकार, यहाँ समता भी दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सरकार की स्थापना की कौन से सन के अंदर? 1943 में, ठीक है ना। 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वनों को सुमेलित करिए, तो वनों को सुमेलित करिए, यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन किसे हैं? महोगनी से। पर्वतीय वन स्पूस से संबंधित है, मैंग्रोव ताड़ से, और उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन साल से संबंधित है। आगे देखिए दोस्तों 40 नंबर का क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित किया कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 91 संविधान संशोधन के द्वारा। 41 का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, श्री गंगानगर की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 2001 से 2011 के बीच में 10 साल के बीच में होती है, जो 10% है। कितनी है वृद्धि दर? 10%। आगे देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन, विजयदान देता की रचना दुविधा पर आधारित फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों वो कौन सी फिल्म है? पहेली। तो ये आपको पता लग गया होगा कि आपने कौन सा आंसर दिया था। आगे देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन, गरीब मछुआरे का अपमान किस ग्रंथ, ये कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? मृच्छकाटकम, ठीक है। 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अवरोही पवन प्रवाहित होती है, तो ये पर्वत से घाटी समीर की ओर, इसका सही आंसर है।
आगे देखिए 45 नंबर का, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषा कौन सी है? तो यहाँ पर दोस्तों अंग्रेजी तीन ऑप्शन के अंदर है, इसलिए तीन ऑप्शन राइट नहीं है। जो चौथा ऑप्शन है जिसमें देखिए अंग्रेजी नहीं है, इसके मतलब संथाली, हिंदी, संस्कृत, तो इसका राइट आंसर है। षड् दर्शन का भाग नहीं है, कौन सा है? उपनिषद है। 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए, शंकर देवा के उपदेश किस नाम से जाने जाते हैं? तो भगवती के नाम से, ठीक है। चक्रवात का जल स्तंभ इसको कहते हैं दोस्तों टोर्नेडो। कैयास कहाँ है? तो इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, आप टाइप करिए कि आपने क्या आंसर इसका सही हो सकता है। कोकण, मालाबार, काठियावाड़ और कोरमंडल, कोरोमंडल, तो इसका सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? तो बीडी जत्ती, ठीक है ना, इसका सही आंसर। भारत में पंथ विक्रेता अधिनियम ये कब लागू हुआ? 2014 में, ठीक है। मंजिल आबादी मुल्क आबादी का आशय किससे है दोस्तों? प्रशासन से। तो ये इसके 51 क्वेश्चन थे दोस्तों, आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए ताकि उनको भी सही आंसर पता लग सके। धन्यवाद दोस्तों।